जय हिंद भाइयों। तो हमारे एडिशनल कैंडिडेट जो है 1700 के आसपास है, तो मुझे दो चार भाइयों ने कमेंट्स किए इंस्टाग्राम पर कि भाई हमारे तो डेट वगैरह सब फिक्स हो गया, सेंटर भी फिक्स हो गया, हमें सब पता चल गया है, नोटिफिकेशन आपने दिखाई उसमें हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार कर रहे थे वो भाई, और मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो वो बोले कि ओके सर जी, हम आपकी वीडियो की राह देखेंगे। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उनकी जो नोटिस जारी हुई है वो एकदम रियल है। अभी भी अगर किसी को भरोसा नहीं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश करके बोल चुका हूँ कि ये नोटिफिकेशन फेक नहीं, मैंने उस वीडियो में प्रूफ भी दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रूफ दिया है कि ये नोटिफिकेशन रियल है, इसमें कोई भी फेक वगैरह कोई भी चीज़ नहीं। अपने मुद्दे पर चलते हैं, एडिशनल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। देखिए आपका 24 तारीख से रिमेड जो DMA शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फुल आपका जो रिमेडिकल है, सॉरी रिमेडिकल नहीं, आपका DMA, ठीक है। आपका जो DMA है वो 13 दिन चलने वाला है, पूरा 10 तारीख तक, 10 अगस्त, सितंबर 10 सितंबर तक आपका जो है DMA चलने वाला है, मतलब पूरा 13 दिन तक, ठीक है। तो आपको जो DMA में क्या क्या साथ लेके जाना है वो सारी वीडियो मैं आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स करना, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और मेडिकल सेंटर पर जाने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या साथ में लेके जाना है, और ऐसी कौन सी गलती ना करो ताकि आपको रिमेडिकल ना मिले, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ऑलरेडी जानता हूँ, अपने भी आपने ही किए, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप मुझे सिर्फ कमेंट्स करना, ठीक है। तो एडिशनल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, तो देखिए 15 अगस्त से पहले भी आ सकता है या 15 अगस्त के बाद भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको आपका रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सीधा जो है लॉग इन करके आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने जो लिंक दी है वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन उसकी लिंक जो एडिशनल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड की जो लिंक है वो मेरे पास है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पे जा क्लिक करके आप उस लिंक को सेव करके रख लेना, और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, आप मेरी वीडियो की राह देखना, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आता है मैं 100% आपको वीडियो दूंगा, और 1 मिनट से भी कम की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, और तब भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे इजीली से। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त के बाद आएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहो आपका एडमिट कार्ड है वो 100% आएगा, CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप एकदम फ्री रहो, और हो सके तो मेडिकल आपका 24 तारीख तक आप एकदम आराम करो, कुछ भी हाथ पैर में चोट मत लगने दो, ठीक है। आपको जो मौका मिला है उसका पूरा आपको सोना करना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया कि आपका एडमिट कार्ड है जो 15 अगस्त से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, और मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।